सुपर हिट सीरियल अनुपमा में हमेशा से ही परखा, अंकुश और अधिक अनुज अनुपमा के बीच का ऐसा नुकीला कांटा बने हुए हैं कि अनुज अनुपमा कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो ये तीनों बीच रास्ते में आ जाते हैं, जिसके चलते अनुज अनुपमा के किए कराए पर पानी फिर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठीक ऐसे ही अनुपमा की एक जीत के आड़े पूरा कपाड़िया हाउस उतरने वाला है, जिसे अनुपमा की जान को खतरा भी हो सकता है। तो आखिरकार अनुपमा ने ऐसी कौन सी जीत हासिल की है और कैसे कपाड़िया परिवार इसका विरोध करने वाला है, आइए जानते हैं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बरखा, अंकुश और अधिक का एक ही एम है, अनुज की सारी प्रॉपर्टी हड़पना और पूरा कपाड़िया एम्पायर अपने नाम करवाना। इसलिए तो तीनों ने एक खतरनाक जाल बिछाकर अनुज की जान लेने की कोशिश की, मगर भगवान की कृपा से अनुज बच गया और कोमा में चला गया। हालांकि अनुज के साथ हुए इस हादसे से पहले ही अनुज ने अपना सब कुछ अनुपमा के नाम कर दिया था, इसलिए अब अनुज के कोमा में चले जाने के बाद अनुपमा पूरा कपाड़िया एम्पायर संभालती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, शो के आगे की कहानी में जल्द ही आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के साथ अनुपमा का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज होने वाला है, जो अनुज का पूरा कारोबार संभालती हुई पाई पाई का हिसाब रखने वाली है। इतना ही नहीं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनकर अनुपमा एक शानदार ट्रॉफी भी जीतने वाली है। हालांकि ये सब अनुपमा के लिए कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन्हें अभी किसी चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है और इसी का फायदा कपाड़िया हाउस में रह रहे अंकुश, बरखा और अधिक उठाएंगे, जो अनुपमा को कुछ भी करने से रोकेंगे। ऐसे में अनुपमा अपने दुश्मनों से कैसे लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। वेल दोस्तों, क्या अनुपमा अपने दुश्मनों को कुछ भी गलत करने से रोक पाएगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।